नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की इस परियोजना में। दोस्तों आज हम बुलेट ट्रेन की परियोजना का अपडेट देखने वाले हैं। आज हम ड्रोन का अपडेट नहीं देखेंगे इसमें, क्योंकि ड्रोन से आपको पूरा क्लियर नहीं दिखने वाला है। इसलिए आज हम स्टेशन के अंदर जाके भी आपको दिखाएंगे कि इसमें सूरत के बुलेट ट्रेन के स्टेशन में कितना कुछ काम हमें देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के हम नए नए अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने वक्ताना विलेज से लेके और मोहिनी गांव का जो कास्टिंग यार्ड था वहां तक का पूरा कंप्लीट हमने अपडेट देखा था, और आज हम मोहिनी विलेज का जो कास्टिंग यार्ड है वहां से स्टार्टिंग करेंगे और सूरत का जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन है उसको भी देखने वाले हैं, और सूरत का मेंटेनेंस डिपो है उसको भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी हम बढ़ रहे हैं सूरत के मेंटेनेंस डिपो की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जगह पर आपको यहाँ पर वायरडक्ट का काम पूरा कंप्लीट देखने को मिल पा रहा होगा, और इसके ऊपर जो भी नॉइज़ वेरियर का काम आपको कंप्लीट नहीं देखने को मिलेगा, और पटरियों का भी काम यहाँ पर अभी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो काम अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर लॉन्चिंग का काम कंप्लीट किया गया है, और इस हिसाब से यहाँ पर अभी आपको लॉन्चिंग का ही काम आपको कंप्लीट दिख पा रहा होगा। तो इसके आगे रेलवे लाइन है जो कि भुसावल और उधना रेलवे लाइन है उसको क्रॉसिंग करता हुआ यहाँ पर वायरडक्ट कंप्लीट हो चुका है, और जो रेलवे लाइन के बाजू में ही आपको मेंटेनेंस डिपो का भी काम देखने को मिलता है। दोस्तों जब इस बुलेट ट्रेन की परियोजना का काम यहाँ पर स्टार्ट हुआ था तब से मैं आपको इसकी अपडेट देते आ रहा हूँ, और आपको कुछ पुराने वीडियो की लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पुराने वीडियो को आप कंपेयर कर सकते हो कि आप कितना काम हुआ था, तब से हम आपको इस जगह का अपडेट देते आ रहे हैं। और अभी आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर आपको कंप्लीट देखने को मिल पा रहा होगा, इस रेलवे लाइन को भी क्रॉसिंग करता हुआ इसका वायरडक्ट कंप्लीट कर लिया गया है। ये रेलवे लाइन है जो कि उधना और भुसावल रेलवे लाइन है, इस तरफ जाती है ये सीधी उधना स्टेशन की साइड में, और इस तरफ जाएगी सीधी महाराष्ट्र की साइड में, और यहाँ पर आपको काम कंप्लीट देखने को मिल पा रहा होगा। ये मेंटेनेंस डिपो है जो कि आप यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं इस वक्त। तो ये मेंटेनेंस डिपो के बिल्कुल बीचों बीच में अभी हम आ चुके हैं, जो कि आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। ये सीधा जा रहा है सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन की साइड में, और इस तरफ जो अभी आप देख पा रहे हैं ये है जो बुलेट ट्रेन के नए पार्ट्स आएंगे उनको वहाँ पर सेट किया जाएगा, और इस तरफ आप देखें जो बुलेट ट्रेन के पुराने पार्ट्स होंगे उनको सर्विस करके कंप्लीट किया जाएगा, और इस तरफ भी वायरडक्ट है जो कि यह बुलेट ट्रेन की इस परियोजना को क्रॉसिंग करता हुआ बनाया गया है। और आपको इसका एक इंटरेस्टिंग हिस्सा भी दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटेनेंस डिपो यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंटेनेंस डिपो का हिस्सा है। और ये बुलेट ट्रेन का जो वायरडक्ट आप देख पा रहे हैं ना ऊपर, इसके बाजू में आप जो पेयर देख रहे हैं दो पेयर, एक इस साइड में और एक उस साइड में, ये पेयर इसलिए बनाए गए हैं ताकि बुलेट ट्रेन का जो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको यहाँ पर एक छोटा वायरडक्ट बनाया जाएगा, उन पटरियों द्वारा इसको नीचे लाया जाएगा मेंटेनेंस डिपो की साइड में। दोस्तों यहाँ पर भी आपको ये वाला वायरडक्ट तो कंप्लीट देखने को मिल पा रहा है, उसके बाजू में जो नए वायरडक्ट बनाए जा रहे हैं, नए पिलर बनाए जा रहे हैं, जैसे कि जब बुलेट ट्रेन की जो प्रॉब्लम सर्विस वगैरह के लिए लाया जाएगा उसको बार बार क्रेनों द्वारा तो नहीं उतारा जाएगा, तो वो सूरत का जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन है वहाँ से ही दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसको नीचे की तरफ लाया जाएगा जो इस मेंटेनेंस डिपो को कनेक्ट करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पिलर आपको दिख पा रहा होगा, उस पिलर द्वारा इनको बुलेट ट्रेन को नीचे लाया जाएगा, उस पार्ट को रिपेयरिंग किया जाएगा। दोस्तों तो ये बुलेट ट्रेन का जो मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है उसके अंदर कोई अलीगल तरीके से एंट्री ना कर पाए, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों ये यहाँ पर वॉल बनाई गई है, और उसके आगे मेन रोड है जहाँ पर इसका गेट बनाया जाएगा ताकि कोई भी अंदर जाएगा तो पूरा परमिशन के साथ ही अंदर जाएगा। अभी तो फिलहाल काम चल रहा है तो इसलिए कोई भी आ जा सकता है, जब ये पूरी तरह से बन के कम्प्लीट होगा ना उसके बाद ही है गेट बनकर कम्प्लीट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे इस वक्त अभी ये मेन रोड है सीधा, और सामने जा रहा है
सूरत बुलेटिन स्टेशन की तरफ। तो आप इस तरफ जाएंगे इस रोड के तो आप सूरत सिटी को अंदर से कनेक्ट कर पाएंगे और डिंडोली साइड में, और इस तरफ जाएंगे तो आप नेवल चेक पोस्ट तरफ या फिर जो सारा दरवाज़ा वाला और ये NH48 वाला मेन रोड है आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर अभी आपको काम कम्प्लीटली देखने को मिल पा रहा होगा इस बुलेटिन की परियोजना के वायडेक्ट का लॉन्चिंग का, और बाजू में ही आपको जैसे कि मैंने बताया बाजू में अभी पेयर अधूरे हैं उनका भी इस वक्त काम जोर शोर में किया जा रहा है। तो ये है सूरत का बुलेट ट्रेन स्टेशन और इसे डायमंड का आकार का लुक दिया जाएगा। और यहाँ पर इस वक्त इसका काम काफ़ी ज़्यादा आपको कंप्लीट देखने को मिल पा रहा होगा। यहाँ पर टीन शेड का जो काम है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि उसका जो ढांचा है वो बनकर तैयार हो चुका है, इसके ऊपर खाली टीन शेड डालना बाकी है। और पिछली वीडियो की हम बात करें तो आपको पिछली वीडियो की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको टीन शेड का काम बहुत ही कम अधूरा देखने को मिलेगा। इस वक्त यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा खासा काम देखने को मिल रहा है। और अभी हम चलेंगे इस स्टेशन के अंदर की तरफ और इसका अंदर से भी हम दिखाएंगे कि अंदर से आपको कितना कुछ काम देखने को मिल पा रहा है। लगभग जब बुलेटिन का स्टेशन का यहाँ पर फाउंडेशन का काम किया जा रहा है तब से मैं आपको इस बुलेटिन के स्टेशन का अपडेट देता आ रहा हूँ। इस स्टेशन पर टोटल दो प्लेटफॉर्म होने वाले हैं और दो ही ट्रैक बिछाए जाएंगे। और इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो 38 मीटर ऊंचा होने वाला है, तीन माले का यह एक स्टेशन होने वाला है और 2026 में फाइनली बनके कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसमें 2 साल का समय और लगने वाला है। इस जगह पर आपको यहाँ पर अच्छा खासा इस वक्त काम देखने को मिल पा रहा होगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसके L&T कंस्ट्रक्शन के अंडर में इसको बनाया जा रहा है इस सूरत बुलेटिन के स्टेशन को, जिसका कि काम 2026 में फाइनली पूरी तरीके से बनके कंप्लीट हो जाएगा। हमारे भारत की पहली बुलेटिन की परियोजना जिसका आज हम अपडेट देख रहे हैं इस बुलेटिन स्टेशन सूरत का, यहाँ पर कितना कुछ खास काम किया जा रहा है यह आप सभी के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिएगा। तो अंदर से आप ये देख ही सकते हैं ये पूरा का पूरा हिस्सा एक पार्किंग का हिस्सा होने वाला है। अंडरग्राउंड का ये जो हिस्सा है ये पार्किंग का होने वाला है। इसके ऊपर जो माला बनाया जाएगा उस पर जैसे कि टिकट काउंटर वगैरह हो गए, जैसे आप मेट्रो में सब सुविधा करते होंगे वो सारी सुविधाएं उसी प्रकार से इसमें फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। और ये एक फर्स्ट क्लास यानी एक हाई लेवल की जो सुविधा होने वाली है यहाँ पर हमारे भारत की इस बुलेटिन की परियोजना में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल पा रहा है। ये पहली बार हम इस स्टेशन के नीचे आए हैं और ये आप सभी के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना दोस्तों। हम आपको इसी प्रकार से इसके अपडेट बताते रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर पूरा का पूरा भी क्लीनिंग करना बाकी क्योंकि भाई भी इसका काम अभी काफ़ी ज़्यादा बाकी है। हालाँकि 50-60% इसका जो काम है वो कम्प्लीट हो चुका है। मेन जो भारी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका काम कम्प्लीट कर लिया गया है इस वक्त इसका।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बुलेट ट्रेन का स्टेशन देखा और उसके बाद में वायडक्ट का भी काम देखा और इस वीडियो में हमने कास्टिंग यार्ड का भी काम देखा। कितना कुछ काम हमें देखने को मिला और वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना। और हमने बुलेट ट्रेन का स्टेशन दिखाया, सूरत को भी हमने अंदर से भी देखा, कितना कुछ काम आपको देखने को मिला। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नए एक ब्लॉग में फिर से, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप हमें कभी देख ही नहीं पाओगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।